सब्सक्राइब करिए नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल को और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हमने सिलेबस की बात की थी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, जैसे कि मैथ्स में है और आपके जीके जीएस में होते हैं ढेरों सारे टॉपिक। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ ही चीज़ें हैं जिस जो और मैक्सिमम ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो इसको मैंने अपने हिसाब से तीन भागों में बांटा है, ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड, कम्प्रिहेंसन बेस्ड। तो ग्रामर बेस्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग एरर भी इसको कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है ग्रामर पूरे इंग्लिश सेक्शन की, तो ये पार्ट है ये। इसमें आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना पड़ता है, टेंसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स आराम से कर जाएंगे, अगर वो कैब बेस्ड नहीं है तो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है प्रीपोजिशंस में पूछता है इन, ऑन, एट में से क्या ऑप्शन होगा जो आपको फिल करना होगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, तो वो सब चीज़ों को आप समझ जाते हैं जब आप स्पॉटिंग रस पढ़ते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी वही होता है कि कोई सेंटेंस दिया गया है तो उसको इम्प्रूव करना है आपको और भी ज़्यादा करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो उस चीज़ का भी आपको जो है बेसिक नॉलेज जो स्पॉटिंग एरर पढ़ने से हो जाएगा। उसका जब आप इसकी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे इम्प्रूवमेंट के, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव वाइज इसके कुछ रूल्स होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिसको दो चार बार अगर आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा तो एक या दो क्वेश्चन दोनों में से आने वाला है और वो एकदम सिंपल टाइप का होगा। आप कभी शायद क्लास 6-7 में भी पढ़े हों तो आप क्वेश्चन देखें तो इतना सिंपल होगा वो, होता है जनरली कि आप वैसे ही अंदाज़ा से लगा सकते हैं। उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, वो सब आप इसमें पढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपकी आती हैं ग्रामर बेस्ड में। ये है वोकैब बेस्ड, ये जो आपका वोकैब बेस्ड है ये आप एक दिन में नहीं तैयार कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने बुक खोल ली, उसमें हज़ार सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हैं और आप लगे एक के बाद एक याद करने, ये ऐसा संभव नहीं है। ये आप जब तक आप अपने डेली लाइफ में चीज़ों को सब वर्ड्स को ऐसे ग्रैप करिए कि वो आपको याद हो जाए। जैसे कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि कुछ नए वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो सेम वर्ड जो है वो बार बार रिपीट करता है कभी कभी और वो आपको एकदम याद हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बताऊं, जैसे एपेक्स, एपेक्स एक वर्ड है जो कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते होंगे तो अक्सर यूज़ होता है, एपेक्स कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं यूज़ करते, सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय। यहाँ पर एपेक्स का मतलब हो गया उच्च। तो आप उससे रिलेटेड जैसे ऐसे ही है दुनिया भर के वर्ड्स हैं जो अक्सर डेली आपको देखने को मिलते हैं और वो आप उस चीज़ में तो एकदम अच्छे हो जाते हैं जो डेली कन्वर्स जाते हैं, जो डेली कन्वर्सेशन के आपके वर्ड्स होते हैं। उसके लिए बस वही तरीका है, आप डेली चीज़ों को याद करिए। लेकिन अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आज से पेपर पढ़ना शुरू करेंगे और आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे एग्ज़ाम तक। तो उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, एडियम्स, फ्रेजर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब के लिए आप कुछ ऐसे वीडियोस को देखिए। मैं आपको किसी और वीडियो में कुछ पर्टिकुलर्स वीडियो भी बता दूंगा जिसमें आप जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम्स में होता है क्या कि वो कुछ ही वर्ड्स को रिपीट कर करके पूछते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और उस वर्ड्स को आप बस मतलब वीडियो को ऐसे दो चार बार सारे वीडियोज़ देख डालिए, एक एक वीडियो को दो चार बार, वो आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और आप एग्ज़ाम में क्या पता 5 आए तो 2 या 3 फंसी जाए, 1 या 2 आपको पहले से पता हो तो आप इसमें वैसे आंसर लगा लेंगे। तो ठीक है, इसमें ये चीज़ रही। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये तो अंदाजे से भी कभी कभार लग जाता है। तो ये वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर हम कम्प्रिहेंसन बेस्ड की बात करते हैं तो कम्प्रिहेंसन बेस्ड में देखिए क्या होता है, इसमें आपको सबसे पहले तो अपनी रीडिंग अगर आप इसमें अच्छा करना चाहते हैं, सिर्फ DRDO के लिए नहीं,
किसी भी आने वाली परीक्षा में, तो आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना होगा। जब आप न्यूज़पेपर्स रीड करेंगे, इंग्लिश बुक रीड करेंगे, आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट इंग्लिश बुक्स के बारे में बताया है जो आपकी रीडिंग हैबिट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं, आपको शुरुआत में पढ़नी पड़ती है ताकि आपका इंटरेस्ट बने चीज़ों को पढ़ने में, ठीक है। और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसमें मैंने वो भी बताया है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप उसे टाइम निकाल के देख लीजिएगा, 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा वो। और उसके बाद कंप्रिहेंशन बेस्ड में अगर हम बात करते हैं तो इसमें शफलिंग ऑफ पार्ट्स आता है, जिसमें क्या होता है कि 4 लाइन दे दिएगा तो उसमें से ऊपर नीचे अरेंजमेंट में ये लाइनें रहती हैं, उसमें से आपको उसको एक पैटर्न में, जैसे पी क्यू आर एस 4 लाइनें हैं तो आपको कौन सी लाइन आर होगा, क्यू होगा, पी होगा, उसके बाद वो जोड़ करके सही सीक्वेंस देना होता है। अब क्या होता है, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप जनरली रीड करते हैं इंग्लिश पैसेजेस को, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन सा वर्ड पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, कौन सा सेंटेंस पहले होना चाहिए, कौन सा बाद सेंटेंस बाद में होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, वो बस पैसेज में सेंटेंसेस की बात कर दी गई है। उसके बाद क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें तीन तीन चार चार ऑप्शंस होते हैं, ये ग्रामर बेस्ड ही होता है, बट चूंकि ये एक पैसेज में पूरा दिया होता है तो आपको थोड़ा कंप्रिहेंशन का भी इसमें स्किल चाहिए होता है। और कंप्रिहेंशन पैसेज में तो आपको पता ही क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है और उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसके 4 4 ऑप्शन, और आपको उस पैसेज में से ही उस क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल के उसका आंसर्स आंसर देना होता है, ठीक है। तो कुल मिला के बस इतनी ही चीज़ें इंग्लिश में हैं। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक स्कोरिंग पार्ट है। मुझे एक भैया मिले थे, मैं कुछ दिनों पहले तैयारी कर रहा था, मतलब 2 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने CDS के एग्ज़ाम को निकाल लिया था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के दम पे। उन्होंने CDS के इंग्लिश पार्ट में 120 क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने 118 एकदम सही कर दिए थे, और GK GS उनका उतना मजबूत नहीं था और उनका आराम से मैथमेटिक्स भी उतना कुछ अच्छा नहीं था, तो उसमें उन्होंने एवरेज मार्क्स ला करके इंग्लिश की बदौलत ऑल इंडिया मेरिट में उनका 12वां रैंक था। उनका नाम था जय दंग, वो इस समय अपनी ट्रेनिंग पूरी करके शायद इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट होंगे। मैं उनसे तब से मिला नहीं, लेकिन इंग्लिश पार्ट है, अगर आप इसे मेहनत एक बार करते हैं ये आपको हमेशा काम आती है। आप किसी भी सेक्टर में जॉब करेंगे आगे जाकर के, किसी भी जगह होंगे, ये आपको हमेशा एक बेनिफिट देगी। तो आप इसको ज़रूर से अगर अभी DRDO के लिए पढ़ रहे हैं तो शॉर्टकट में पढ़ें, DRDO का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है फिर भी आप इसको, ऐसा नहीं कि किताब बंद करके रख दें, इसको आप अच्छे से समय दे करके पढ़ें, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर टू गेट मोर एंड मोर सक्सेस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, इंग्लिश का सिलेबस बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, और अगर पसंद आया हो तो लाइक को का बटन दबाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आखिर हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है कि नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और भारत माता की जय, जय हिंद।